तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो गाइस, हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस, आज हम अपनी इंडियन बाइक से यहाँ पे जंप करने वाले हैं इंडिया गेट को, एंड देखने वाले हैं कि यार जो अपनी इंडियन बाइक है, क्या वो भाई अपनी इंडिया गेट के ऊपर से यहाँ पे जंप कर पाती है नहीं। और बाकी यार गाइस, मैं आप सभी को यहाँ पे फटाफट से जो अपनी रैंप है वो दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रही अपनी रैंप और सामने की तरफ में अपना प्यारा सा भाई इंडिया गेट है, और जिसको कि अपनी बाइकों को भाई यहाँ पे भाई जंप करके इसको पार जाना है। अब देखना होगा यार कि इस वीडियो में भाई अपनी कौन कौन सी जो इंडियन बाइक रहने वाली है वो इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगी। और बाकी यार गाइस, आप लोगों को पीछे की साइड में अभी कुछ ही बाइक नजर आ रही होंगी, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है यार कि आज ना गेम बहुत ज्यादा भाई बीटी दे रहा है, और इसी वजह से आप लोगों को बीच में अभी कुछ सेकंड की यार लाइव स्ट्रीम देखने को मिली थी, और वो लाइव स्ट्रीम भाई गलती से यहाँ पे हो गई थी, बिकॉज मैं सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह कर रहा था, क्योंकि यार पता नहीं गाइस, मैं जिस सॉफ्टवेयर पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ भाई, उसमें वीडियो रिकॉर्ड लैग ही हो रही है। और ये वीडियो मैं पिछले 5 बार ही से भाई रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और गाइस सच्ची बता रहा हूँ यार, इस वीडियो को बनाने में मेरी भाई ऐसी की तैसी हो गई है, क्योंकि मैं 5 बार यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ और 5 बार जो वीडियो ना वो बहुत ज्यादा लैग ही हुई है। अब होप है यार इस बार जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भाई अच्छी खासी स्मूथ हो जाए, वरना भाई इस बार की भी मेरी मेहनत जो है वो खराब जाने वाली है। और बाकी यार गाइस, इस वाली वीडियो में मैंने एक स्पेशल बाइक भी यहाँ पे ऐड करी है, और वो वाली बाइक को आपको देखने के लिए वीडियो को जो है एंड तक यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले जो बाइक अपनी रहने वाली है वो है अपनी बुलेट। तो देखते हैं यार, जो अपनी रॉयल एनफील्ड की बुलेट है वो यहाँ पे अपने इंडिया गेट के ऊपर से जंप कर पाती है नहीं। भाई ये भी देसी बाइक है, और अपना इंडिया गेट तो आप सभी को पता ही है यार, अपने दिलों में भाई राज करता है। तो गाइस, अभी फटाफट से अपनी रॉयल एनफील्ड की बुलेट को भाई लेके चलते हैं, एंड देखते हैं जो अपनी बुलेट है वो यहाँ पे भाई सब इंडिया गेट के ऊपर से जंप ले पाती है नहीं। और बाकी यार गाइस, आप लोग देख सकते हो, जो अपनी बाइक है भाई फुल स्पीड में यहाँ पे जा रही है, एंड यहाँ पे बुलेट ने जंप तो ले लिया है। और यार गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब, जो अपनी बाइक है यार वो यार इंडिया गेट के ऊपर से भाई जंप नहीं ले पाई, मतलब आधे आधे तो नहीं, मतलब बहुत ऊंचाई से गई थी, पर हाँ स्टिल जो अपनी बाइक थी वो अपने इंडिया गेट में यहाँ पे टच हो गई, एंड इसी वजह से यार जो अपनी रॉयल एनफील्ड की बुलेट है वो इस चैलेंज में गाइस फेल हो जाती है। तो गाइस, यहाँ पे जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी अपाचे 310R। तो देखते हैं यार, जो अपनी अपाचे है भाई साहब वो यहाँ पे अपने इंडिया गेट के ऊपर से जंप कर पाती है नहीं। तो गाइस, ये चली भाई अपने अपाचे 310R, एंड देखते हैं कि ये यहाँ पे जंप ले पाएगी या नहीं। तो लेट्स गो। और गाइस, यहाँ पे अपनी बाइक ने जंप तो मार दिया है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई साहब, पूरे इंडिया गेट के ऊपर से गाइस जो अपनी अपाचे 310R है वो यहाँ पे उसको क्रॉस करके आ चुकी है। तो गाइस, जो अपनी अपाचे 310R है वो यार अपने चैलेंज में पास हो गई है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी हार्ले डेविडसन। अब देखते हैं अपनी हार्ले डेविडसन जो है वो यहाँ पे जंप ले पाती है नहीं, बिकॉज यार गाइस, ये वाली जो बाइक है ना, ये जितनी ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ में आती है उतना ही ज्यादा इसके अंदर वेट भी होता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये वाली जो बाइक है वो यार अपने इंडिया गेट के ऊपर से यहाँ पे जंप मार पाई या नहीं। और बाकी आप लोग देख सकते हो गाइस, जो अपनी बाइक है काफी बढ़िया स्पीड तक गई है, एंड अभी देखना होगा कि ये जंप ले पाएगी या नहीं। और यहाँ पे गाइस, आप लोग देख सकते हो, जो अपनी हार्ले डेविडसन है वो यहाँ पे भाई अपने इंडिया गेट के ऊपर से जंप करके आ गया। हालांकि मतलब जो अपने इंडिया गेट के ऊपर बीच में मतलब एक चोटी टाइप की है ना, उससे थोड़ा सा नीचे था, पर स्टिल अपनी जो बाइक थी वो अपने कहीं भी मतलब गेट वगैरह में, अपना इंडिया गेट है उसमें नहीं टच हुई। तो इसीलिए जो अपनी हार्ले डेविडसन है वो यार अपने चैलेंज में पास हो गए है। तो गाइस, जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी बजाज पल्सर NS 200। तो देखते हैं जो अपनी NS 200 है वो यहाँ पे अपने इंडिया गेट के ऊपर से जंप लार कर मार पाती है नहीं। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब यार वीडियो बना बना के ना गाइस सच्ची में मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी हो गई है। लेट्स गो। और गाइस, यहाँ पे अपनी बाइक ने भाई सब छलांग तो मार दिया है, और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो यार, जो अपनी बजाज पल्सर NS 200 है उसने भी भाई जो अपना जंप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस, जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी हीरो स्प्लेंडर। तो देखते हैं यार अपनी स्प्लेंडर यहाँ पे भाई सब जंप मार पाती है नहीं। तो लेट्स गो। और गाइस, ये चली भाई अपनी स्प्लेंडर काफी बेहतरीन स्पीड से यहाँ पे जा रही है भाई, 200+ की स्पीड हो चुकी है, एंड यहाँ पे गाइस अपनी स्प्लेंडर ने जंप तो ले लिया है। और यहाँ पे गाइस मैं क्या देख रहा हूँ यार, जो अपनी स्प्लेंडर है वो यार यहाँ पे जो जंप है ना वो उतना ज्यादा प्रॉपर नहीं मार पाई, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जो बाइक है वो यार अपने इंडिया गेट में यहाँ पे टच हो गई, पर स्टिल यार उसके बावजूद आप लोग देख सकते हो, मतलब ये वाली जो बाइक है भाई अराउंड 100 या 110 सीसी के इंजन में आती है, पर फिर भी यार उसके अकॉर्डिंगली अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया था भाई अपनी स्प्लेंडर का। और लेट्स गाइस, यहाँ पे जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी डुकाटी V4। तो देखते हैं यार अपनी डुकाटी V4 जो है वो यहाँ पे जंप ले पाती है नहीं। तो लेट्स गो। और बाकी गाइस, ये अपनी डुकाटी V4 भाई काफी ज्यादा बेहतरीन स्पीड के साथ में जा रही है, अराउंड भाई 300 की स्पीड इसकी हो चुकी थी, एंड यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, अपनी जो बाइक है उसके इंजन से धुआं निकलने लगा है, एंड भाई साहब गाइस अपनी, ओ भाई साहब, यहाँ पे गाइस अपनी डुकाटी V4 फट चुकी है, और मेरे को नहीं पता ये भाई ऐसा क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ, मतलब अपनी बाइक के इंजन में धुआं निकल रहा था, एंड उसके बाद सीधे भाई अपना इंजन ही यहाँ पर ब्लास्ट हो गया, और उसकी वजह से अपनी जो पूरी की पूरी बाइक है वो यार अभी जल चुकी है। तो यार गाइस, कमेंट बॉक्स में भाई डुकाटी
V4 RIP जरूर से टाइप कर देना। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी होंडा CBR। तो देखते हैं यार जो अपनी होंडा CBR है वो यहाँ पे भाई अपने इंडिया गेट के ऊपर से जंप ले पाती है नहीं। फिलहाल तो आप लोग देख सकते हो भाई काफी ज्यादा बेहतरीन स्पीड के साथ में जा रही है एंड यहाँ पे अपनी बाइक ने भाई साहब छलांग तो मार दिया यहाँ पे और काफी बेहतरीन जंप था ये। मतलब अपना पूरा का पूरा जो गेट था ना वो पार ही कर गई और भाई साहब कितने आगे तक आई है। ओ माई गॉड भाई सबसे ज्यादा दूर तक आई है ये वाली बाइक। हालांकि मतलब जो लैंडिंग करी थी वो तो काफी पीछे करी थी पर यहाँ पे भाई इसको थोड़ा सा स्लोप मिल गया और उस वजह से काफी आगे तक जो अपनी होंडा CBR है वो चली गई है। तो गाइज अपनी होंडा CBR जो है अपने इस चैलेंज में पास हो जाती है। गाइज जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी निंजा S2। तो देखते हैं यार जो अपनी निंजा S2 है वो यहाँ पे जंप ले पाती है नहीं। वैसे इसका वेट भी काफी ज्यादा है तो काफी कम परसेंट चांसेस है कि ये प्रॉपर जंप मार पाए। फिलहाल तो इंजन भी उतना पावरफुल है जिस हिसाब से इसका वेट है। लेट्स सी कि देखते हैं जंप ले पाती है नहीं। और यहाँ पे गाइज भाई साहब बहुत ही ज्यादा मतलब एक बोल सकते हैं काफी कम डिस्टेंस के साथ में जो अपनी बाइक है उसने यहाँ पे जंप करा है पर स्टिल जो अपनी बाइक है वो अपने चैलेंज में पास हो चुकी है। बिकॉज आप लोगों ने देखा ही होगा कि अपनी जो बाइक थी ना उसने भाई जंप बहुत ज़्यादा मतलब एकदम करीबी मामला रहा था ऐसा हम बोल सकते हैं और उसी वजह से जो अपनी बाइक है वो यार चैलेंज जीत गई है। और मेरे को खुद नहीं पता है गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग की भाई ऐसी की तैसी हो गई भाई। सुबह से भाई 10 बारी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और अब जाके पता नहीं है फाइनल हो भी रही है नहीं। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो अपनी निंजा ZX10R। अब देखते हैं अपनी निंजा ZX10R जो है वो यहाँ पे भाई सब प्रॉपर जंप मार पाती है नहीं। तो गाइस ये चलिए अपनी निंजा ZX10R एंड अभी देखना होगा कि ये जंप ले पाती है नहीं। और काफी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़िया थी और इसके इंजन में भी भाई धुआं निकल चुका है और यहाँ पे आग भी लग चुकी है गाइस। अपनी निंजा ZX10R भी भाई ब्लास्ट होने वाली है। इससे पहले ब्लास्ट हो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ वरना अदरवाइज भाई हम भी मर सकते हैं यहाँ पे। और यार गाइस अपनी निंजा ZX10R ने चैलेंज तो पूरा कर लिया पर यार गाइस इसकी जो जान है वो यहाँ पे नहीं बच पाई एंड अपनी निंजा ZX10R जो है वो यहाँ पे शहीद हो चुकी है। तो अपनी निंजा ZX10R के लिए एक लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में RIP जरूर से टाइप करना। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी Yamaha R15। तो देखते हैं अपनी Yamaha R15 जो है वो यहाँ पे भाई साहब अपने इंडिया गेट के ऊपर से जंप ले पाती है नहीं। गाइस ये चलिए अपनी बाइक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्पीड से जा रही है भाई 250-300 की अराउंड स्पीड हो गई थी एंड इसके भी इंजन में सेम टू सेम आग लग चुकी है और ये भाई चल क्या रहा है। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई अपनी जो Yamaha R15 है इसने जंप तो बहुत तगड़ा मारा पर इसके भी इंजन में यहाँ पे आग लग चुकी है और अब ये भी भाई मरने वाली है ब्लास्ट होने वाली है। और कुछ ही सेकंड क्या भाई एक ही दो सेकंड में जो अपनी बाइक है वो यहाँ पे ब्लास्ट हो चुकी है। तो यार गाइज अपनी Yamaha R15 के लिए भी भाई कमेंट बॉक्स में RIP लिख देना। तो गाइज जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी KTM RC 390। अब देखते हैं अपनी जो KTM RC 390 है वो यहाँ पे भाई सब जंप ले पाती है नहीं। और बाकी यार पिछले टाइम से भाई रेगुलर पता नहीं क्या हो रहा है अपनी बाइक है यहाँ पे जंप तो बहुत तगड़ा मार रही है पर भाई इंजन भी उनके आग लग जा रही है। होप अपनी KTM RC 390 के साथ में भाई ऐसा नहीं होगा। और जी हाँ गाइज यहाँ पे नहीं हुआ है पर यार गाइज अपनी KTM RC 390 जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब भाई रह गई। मतलब कुछ ही थोड़ा सा और स्पीड होती शायद तो मे बी जो अपनी बाइक थी वो अपने इंडिया गेट के ऊपर से जंप कर जाती पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि यार जो अपनी KTM RC 390 है उसने यहाँ पे प्रॉपर भाई जो जंप है वो नहीं कर पाई एंड इसीलिए ये इस चैलेंज में फेल हो गई है। तो गाइस अभी बारी है इस वीडियो के स्पेशल बाइक की जो कि है यार अपनी Yamaha RX 100। एंड गाइस मेरे को काफी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि अनमोल भाई Yamaha RX 100 को ऐड करो। तो गाइस फाइनली आप सभी की डिमांड पे मैं तुम्हारे लिए भाई Yamaha RX 100 को ढूंढ ढाड़ के यहाँ पे ले आया हूँ। और बाकी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो गाइस कुछ ऐसी भाई अपनी Yamaha RX 100 यहाँ पे दिखती है और एग्जैक्ट भाई एकदम भाई Yamaha RX 100 तो नहीं लगती पर हाँ स्टिल उसकी तरह बहुत ही ज्यादा लगती है। मतलब बहुत ज्यादा क्या एटलीस्ट ये है Yamaha RX 100 पर जितने भी ये बनाई है ना वो थोड़ा बहुत मतलब उसने जो चीजें हैं वो अच्छे से नहीं बैठाई है। जैसे इसकी हेडलाइट भाई गोल आती है इसमें चौकोर वाली दी हुई है तो इसीलिए जो इसका लुक है वो एकदम Yamaha RX 100 जैसा नहीं है। और बाकी यहाँ आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि ये वाली जो भाई बाइक आप लोगों को यहाँ पे कैसी लगी। तो गाइस देखते हैं जो अपनी Yamaha RX 100 का भाई पहला चैलेंज है कैसा जाने वाला है। एंड बाकी भाई ये वाली जो बाइक है ना भाई अपने टाइम की भाई बहुत खतरनाक बाइक हुआ करती थी और आज भी भाई लोग इसके फैन है। अब देखना होगा ये अपनी Yamaha R100 इस चैलेंज को कर पाती है नहीं। और गाइज यहाँ पे भाई साहब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है अपनी Yamaha R100 ने जो है अपना चैलेंज तो कर लिया है पर उतना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं करा है। पर स्टिल चलो इसके लिए भाई मतलब पहला चैलेंज में हम विनर कर देते हैं क्योंकि ये इसका पहला चैलेंज है एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके हमें दिखाया है। और बाकी यार गाइस अभी फटाफट से बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी KTM Duke 1219। तो देखते हैं ये वाली बाइक यहाँ पर जंप कर पाती है नहीं। तो लेट्स गो। और बाकी यार गाइस इसका भी वेट बहुत ज़्यादा है पर स्टिल इसका इंजन भी बहुत पावरफुल है। देखते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा बैठता है
एंड यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो भाई साहब अपनी KTM 1290 ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर यहाँ पे जंप ले लिया है एंड इसी वजह से ये वाली जो बाइक है वो अपने चैलेंज में यहाँ पे पास हो गई है। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी सुजुकी हायाबुसा। आप देखते हैं यार जो अपनी सुजुकी हायाबुसा है वो यहाँ पे भाई साहब इस इंडिया गेट को जंप कर पाती है बिकॉज गाइस अपनी सुजुकी हायाबुसा का जो वेट है ना काफ़ी ज़्यादा है, पर इससे लिए मत बोलो कि इसका इंजन भी बहुत ज़्यादा दमदार है। अब देखते हैं कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भाई एक होके क्या अपनी जो इंडिया गेट है इसको जो पार कर पाएगी या नहीं। तो लेट्स गो, बाकी काफ़ी बेहतरीन स्पीड है गाइस अपनी सुजुकी की, मतलब सुजुकी हायाबुसा की। एंड उसी वजह से आप लोग देख सकते हो जो अपनी बाइक है उसने भाई अपने इंडिया गेट को यहाँ पे पार कर लिया है एंड ये वाली जो बाइक है वो अपने इस चैलेंज में पास हो गई है। तो गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी यामा R6। तो देखते हैं यार जो अपनी यामा R6 है वो यहाँ पे भाई साहब जंप कर पाती है नहीं। एंड हाँ, बाकी यार गाइस आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर से बताना कि इस वीडियो में भाई कौन कौन सी बाइक फेल हुई है और कौन कौन सी इस चैलेंज में पास हुई है। वैसे मोस्ट ऑफ द बाइक है ना वो पास ही हो गई है और यहाँ पे अपनी यामा R6 भी जो है वो अपने चैलेंज को पास कर गया, मतलब जो है अपना चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट कर चुकी है। तो अभी फटाफट से गाइस बढ़ते हैं अगली बाइक की तरफ। गाइस जो अपनी अगली बाइक है वो है अपनी बजाज पल्सर 150 और ये अपनी लिस्ट की लास्ट बाइक बची है। तो देखते हैं अपनी बजाज पल्सर 150 जो है वो यहाँ पे भाई अपने इंडिया गेट के ऊपर से जंप कर पाती है नहीं। तो गाइस ये चली अपनी बाइक एंड अभी देखते हैं क्या होने वाला है, बस कुछ ही सेकंड में अभी पता लग जाएगा कि अपनी ये वाली बाइक जंप कर पाएगी या नहीं। और यहाँ पे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा करीबी मामला रहा है, मतलब अपनी जो बाइक है उसने जंप तो भाई कर लिया पर जो काफ़ी नीचाई से मतलब करा था, और अगर थोड़ी सी स्पीड स्लो रह जाती ना तो अपनी भाई अपनी बजाज पल्सर 150 ये चैलेंज यहाँ पे हार भी सकती थी, पर स्टिल जो अपनी बजाज पल्सर 150 है वो इस चैलेंज को यहाँ पे जीत चुकी है। एंड बाकी यार गाइस आज की वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों को जरूर से अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।